गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का नेक्स्ट टॉपिक पॉलीसेक्राइड्स। इससे पहले हम मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड पढ़ चुके हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, जैसे वर्ड इंडिकेट कर रहा है, पॉली का मीन्स होता है मैनी और सेक्राइड मतलब शुगर, यानी बहुत सारे जब शुगर के मॉलिक्यूल्स यानी बहुत सारे जब मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ जाएंगे तब जाके 30,000, 40,000 ऐसे के करीब जब जुड़ जाएंगे मोनोसेक्राइड तब जाके बनेगा हमारा पॉलीसेक्राइड। ठीक है, यानी इतने सारे मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ेंगे, ये क्या होते हैं, ये क्या है पॉलीमर, इसको ही हम क्या बोलते हैं पॉलीमर, मैक्रोमोलिक्यूल है ये। तो इसके अंदर हमारा क्या क्या आता है, इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पॉलीसेक्राइड्स को। एक है हमारा होमो पॉलीसेक्राइड, और एक है हमारा हेटरो पॉलीसेक्राइड। ठीक है, होमो पॉलीसेक्राइड एंड हेटरो पॉलीसेक्राइड। तो होमो पॉलीसेक्राइड, होमो वर्ड क्या इंडिकेट करता है, जहां पर एक जैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं वन टाइप के, वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, जहाँ पर एक तरह के मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है होमो पॉलीसेक्राइड। और हेटरो का मीन्स क्या होता है डिफरेंट, जहाँ पर डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड जुड़ते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है हेटरो पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो होमो पॉलीसेक्राइड को भी अगेन हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक किस तरह का होता है आपको पता है पॉलीमर है, तो किस टाइप का है, तो होमो पॉलीसेक्राइड को हम अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। किसके बेसिस पर, एक हम करते हैं स्टोरेज के बेसिस पर कि स्टोरेज वाले जो पॉलीसेक्राइड हैं वो कौन से हैं, और दूसरा हम डिवाइड करते हैं इसको स्ट्रक्चरल के बेसिस पर कि कौन से पॉलीसेक्राइड हैं जो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे जो स्टोरेज वाले हैं, स्टोरेज वाले पॉलीसेक्राइड्स कौन से हैं। तो स्टोरेज वाले में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन क्या है, कम से कम इसमें 30,000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं जब अटैच्ड होते हैं किसे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यानी जितने भी ये पॉलीमर्स बनते हैं हमेशा वाटर के रिमूवल से ही बनते हैं। जब भी वाटर का रिमूव होता है तो जाके ये सारे जो है पॉलीमर्स बनते हैं, चाहे वो डाइसेक्राइड बने चाहे वो पॉलीसेक्राइड्स बने। तो यहाँ पर 30,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं जो 1,4 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से अटैच्ड होते हैं। ये अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है, अल्फा, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ये अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक है, कौन, ग्लाइकोजन। और किसके अंदर मिलता है हमको ग्लाइकोजन, एनिमल के अंदर, हमारे अंदर जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर जो फूड का स्टोरेज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में है, और ये अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक है, तो ये फूड स्टोरेज हो गया पहला। दूसरा फूड स्टोरेज में नाम आता है स्टार्च का, और ये आपको पता है स्टार्च किसके अंदर होता है, स्टार्च जो स्टोर फूड है प्लांट्स का, स्टोर फूड ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स का स्टोर फूड है, और ये भी अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक है, ये भी अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है। अब तीसरा आता है, ये प्लांट्स के अंदर है स्टार्च, तीसरा आता है इनुलिन, ये ध्यान रखना है, इस पर बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया है। जो इनुलिन है ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है। ठीक है, फ्रक्टोज का पॉलीमर है। ठीक है, यानी फ्रक्टोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तब जाके ये इनुलिन बनता है, किसका, फ्रक्टोज का पॉलीमर है इनुलिन। ठीक है, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, कौन, इनुलिन, इनुलिन क्या है, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज।
और ये कहाँ देखने को मिलता है हमको, ये मिलता है हमको स्टोरेज ऑफ ये रूट्स एंड ट्यूबर्स ऑफ डेलिया, जो डेलिया प्लांट है उसकी रूट एंड ट्यूबर्स में देखने को हमको मिलता है। तो ये फ्रक्टोस का पॉलीमर है, कौन, इनुलिन। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तीन हो गए हमारे स्टोरेज वाले, जो क्या है, होमो पॉलीसेक्राइड, यानी एक ही जैसे मॉलिक्यूल है, जैसे अल्फा ग्लूकोस से है, ये भी अल्फा ग्लूकोस से है, और ये फ्रक्टोस जुड़ेंगे तो जाके बनेगा इनुलिन। अब आते हैं हमारे स्ट्रक्चरल, तो स्ट्रक्चरल में कौन कौन है, तो स्ट्रक्चरल में सबसे पहला नाम आता है, अगर हम स्ट्रक्चरल की बात करें तो स्ट्रक्चरल के अंदर जो फर्स्ट नेम आता है वो आता है आपका सेलुलोज। मोस्ट अबंडेंट, ये मोस्ट अबंडेंट जो है कार्बोहाइड्रेट या मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मोस्ट अबंडेंट की कैटेगरी में ये आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट अबंडेंट है वर्ल्ड में, ठीक है, सेलुलोज। तो ये हमें कहाँ मिलता है देखने के लिए, ये क्या है, पेपर, कॉटन फाइबर्स, और ये क्या बनाता है, स्ट्रक्चरल क्यों बोला, आपको पता है प्लांट की सेल वॉल, जो प्लांट है उनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चरल में काइटिन, काइटिन किसकी होती है, फंगस की सेल वॉल, फंगस की सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनती है, और ये काइटिन क्या है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लूकोज है, यानी किससे मिलकर बना है, ये एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। तो काइटिन हमको कहाँ देखने को मिलता है, एक तो आर्थ्रोपोडा की जो एक्सोस्केलेटन है वहाँ देखने को मिलता है, दूसरा फंगस के अंदर मिलता है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा के अंदर भी मिलता है, आर्थ्रोपोडा के अंदर जो उसका एक्सोस्केलेटन है वो भी काइटिन से मिलकर बनता है, ठीक है। तो सेकेंड हो गया काइटिन, अब आता है हमारा हिट्रो, ये तो हमारी बात है होमोपॉलीमर की, ठीक है, अब आता है हमारा हिट्रो, अब हिट्रोपॉलीमर में कौन आएगा, अगर हम हिट्रोपॉलीमर की बात करें, अभी तक हम होमो की बात कर रहे थे, तो वहां पर आता है हमारी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो मिलकर बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन, और ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, नैम एंड नैक, नैम एंड किससे मिलकर बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन, नैम और नैग, नैग नैम फिर नैग, इसके रिपीटिशन से, पेप्टिडोग्लाइकन किससे मिलकर बनी है, नैग और नैम से, नैग क्या है, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, इन्हीं का रिपीटेशन होता है, तभी तो दो हो गए, नैग नैम, ये हिट्रोपॉलीमर है इसीलिए, तो दो तरह के मॉलिक्यूल हैं जो रिपीट हो रहे हैं, नैग नैम, ठीक है, क्या बना रहे हैं, पेप्टिडोग्लाइकॉन, किसकी सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल, ठीक है। क्यों इसको यूज़ किया गया, देखो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, तभी तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं आउटर स्ट्रक्चर बनाने के लिए, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए इसका जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प हुई। दूसरा, स्टोरेज में इसको यूज़ किया जा रहा है, ये भी हमने देखा, पहला ये स्ट्रॉन्ग है इसीलिए इसका जो है वो आउटर स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प हो रही है कार्बोहाइड्रेट की। सेकेंड, स्टोरेज में यूज़ हो रहा है क्योंकि नॉन रिएक्टिव है इसलिए इसका यूज़ जो है वो स्टोरेज के फॉर्म में हो रहा है, तभी सारा फूड जो है वो इसके फॉर्म में स्टोर है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि
जो चीज़ यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन सा ब्रांच्ड है और कौन सा अनब्रांच्ड है स्ट्रक्चर, तो ये बात ध्यान रखो, जो खाली आउटर स्ट्रक्चर बना रहा है जैसे सेलुलोज है, काइटिन है, ये सब क्या है? अनब्रांच्ड। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ये आपको ध्यान रखना है, जो खाली स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो क्या है? अनब्रांच। तो इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो सेलुलोज है वो अनब्रांच्ड है, तो इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो खाली स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो अनब्रांच्ड हैं, जो स्टोरेज का काम कर रहे हैं वो क्या है? वो ब्रांच्ड हैं। ठीक है, जो स्टोरेज का काम कर रहे हैं वो ब्रांच्ड हैं, और जो खाली